हरे कृष्णा। आप लोग हमारे पीछे जो बोलिए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनारुचिरं संयुक्तं चक्र येन भद्रया वाम भागे रथतृणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यं वेदनाम सारमेकं, वेदनाम सारमेकं ब्रह्मदारं स्मरामि, ब्रह्मदारं स्मरामि, ब्रह्मदारं स्मरामि। आज है बहुत अच्छा दिवस है, भगवान जगन्नाथ जी के बोला गया आविर्भाव दिवस भी है। अब भगवान का कथा बोला गया है, भगवान बोलते गीता में जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं मे व्यतीत तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन जो मेरे जन्म कर्म को जानता है, दिव्य है, उसको दोबारा इस जगत में आना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ कौन है, क्यों ये जगत में आते हैं? कोई बोलता है पुरी के नाथ है, कोई बोलते इसके नाथ है। वास्तविक जगन्नाथ, जगत मतलब ब्रह्मा सारे विश्व के नाथ है, सबके नाथ है जगन्नाथ। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का आश्रय नहीं लेता है वो नाथ है। अनाथ वो व्यक्ति है जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है, जो भगवान का आश्रय लेता है वही सनाथ है। सनाथ व्यक्ति को सनाथ कौन है? जो भगवान का आश्रय लेता है। और भगवान का आश्रय लेने के लिए भगवान स्वयं अलग अलग अवतार अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कलयुग में स्पेशल अवतार है जगन्नाथ जी का अवतार। जो आज आप देखे, आप लोग देखे गज भेष, ये भगवान का स्पेशल रूप है। आज का दिन पे भगवान को स्नान करा जाता है। स्नान करने के बाद भगवान को बुखार होता है लीला, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति चाहता बाहर जाता है, उनके रिलेटिव उनके स्वजन परिवार को मिलता है, उसी प्रकार भगवान सबके नाथ है। इसलिए वो कभी कभी अपना लीला प्रदर्शित करने के लिए अपना नाटक करते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो देखूंगा क्या चल रहा है हालचाल। इसलिए कहा गया भगवान कभी कभी लीला भी प्रकट करते हैं। जैसे कहा गया आज इस दिन में आप स्नान पूर्णिमा है, और स्नान पूर्णिमा के दिन एक दिव्य उत्सव हुआ था। एक बार कर्नाटक के एक महान भक्त, उसका नाम था गणपति भट्ट, वो ज्यादा रेखा बड़ा नहीं है और धनी नहीं, रिच नहीं, लेकिन भगवान के प्रति उसका बहुत लगाव है। बचपन से भगवान के प्रति लगाव, ये अलग अलग पुराणे पढ़े जगन्नाथ के बारे में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवेद पुराण में, अलग अलग पुराण में जगन्नाथ जी के बारे में लिखा गया है। वो पुराण पढ़ के सोचा कि जगन्नाथपुरी में दार ब्रह्म है, जो कि उनको दर्शन करने के बाद व्यक्ति को दोबारा भौतिक जगत में
जन्म नहीं लेता है। सत्य है रथेषु वामनं दृष्ट्वा पुनरुतं न विद्यते, ये श्लोक हम नहीं रचा है, पुराण में लिखा है, लेकिन देखने का भाव होना चाहिए ना। भगवान भाव के भूखे, भगवान का नाम भावक है जनार्दन, भाव को एकदम निकट, जिसके पास भाव नहीं है उसको सामने नहीं प्रकट नहीं होते। इसलिए भगवत गीता भगवान बताते हैं कि तस्याहं सुलभो पार्थो नित्य युक्त से योगिना, मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए सुलभ है? अगा मगा खगा के लिए नहीं, सुलभ है तस्या अहम, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्या मतलब वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कैसे, उसका लक्षण क्या है, वो व्यक्ति का लक्षण क्या है, बहुत इतना होता बताती। सततम कृतन तो मायतन दृढ़वता, सतत दृढ़ता के सहित उनको चिंतन करती। इसी प्रकार एक प्रेमिका के प्रेमी को हमेशा चिंता करते रहता है खड्डे में जाने के लिए, उसी प्रकार भगवान का भक्त भगवान को भी चिंतन करता है ये भौतिक खड्डे रूप से ऊपर उठने के लिए। तस्याम सुलभ, मैं इसके लिए सुलभ होता हूं। किसके लिए? जो मेरे भजन करता है। तेसाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम, प्रीति प्यार पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगंतम, मैं बुद्धि दूंगा उसको, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। जेन मामु उपयान्ति, जैसे मेरे पास आ सकता है। भगवान हमको अपना धाम लेने के लिए क्या क्या करते हैं और हम लोग धाम नहीं जाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो अपना धाम को स्वधाम को लेने के लिए कितने लेटर भेजते हैं, क्या क्या लेटर, श्रीमद् भागवतम लेटर है, साधु संत की कथा लेटर है, भक्त की कथा लेटर है, वो इतना भेजने के बाद भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? नहम प्रकाश सर्वस्य जोगमय समर्पिता मूढ़ भिजानंती लोकमाम अजभ्यम, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। क्या भगवान तेरा मेरा करते? भगवान तू ये छोटा मेटा देखते नहीं, भगवान देखते हैं। समहम सर्वभूतेषु न मे दोस्त न मे प्रिय ये भजन तुमं भक्त्या, मेरे सब समान है ये भजन्ति तुमं भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरे भजन करता है मैं उसके हो जाता हूं। जहां बोला गया वहां रेडी हूं, जहां प्रहलाद महाराज खंभा में, हाँ खंभा में है, प्रकट हो गए कि नहीं। भक्त के लिए भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वही भगवान अभक्त के लिए काल विराजमान है, महाकाल रूप में आएंगे लेके जाएंगे। इसलिए हम बताते हैं भगवान भक्त के लिए हमेशा ये, वो भगवान का भक्त है गणपति भक्त, वो पुराने पढ़ा क्या रे नीलाचल में बोलते जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप में विराजमान, भगवान दारू ब्रह्म रूप में विराजमान है, उनको दर्शन कर से मुक्ति लाभ होता है। चलो पूछते 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 वो भगवान को गणपति को प्रेम करता था, गणपति का भक्त है, पूछते 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 आया और स्नान पुण्य का दिन था, भगवान जगन्नाथ बाहर आ गए स्नान मंडप में स्नान करते, देखा इसी कैसे बोला गया देख के वापिस रिटर्न जा रहा है। अरे बोला गया देखने के बाद वापिस नो रिटर्न, अरे मैं रिटर्न कैसे जा रहा हूं, मतलब कुछ है ही नहीं, नाटक है ढोंगी है, दुखी हो गया बहुत पछताप कर ला रहे, क्यों मैं आया इतना दूर से कुछ नहीं है। वो अपने को सोचने लगा, हीन समझने लगा कि भगवान कृपा नहीं मेरे पे, लगता है ये सब मिथ्या है, ये पुराना मिथ्या है, दुखी हो गया वापिस रिटर्न जा रहा था। एक भगवान जगन्नाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बोलते हे ब्राह्मण इधर आओ, क्या चिंता कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या टेंशन है तेरा ना, क्या करूं, मैं तो आया था दारू ब्रह्म को दर्शन करने के लिए, दारू ब्रह्म को दर्शन कर दो वापिस रिटर्न जा रहा हूं, मतलब मैंने मुक्ति नहीं हुआ नहीं,
ये लगता है ही नहीं कुछ, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, ये सोच के दुखी हो जाता है। ठीक है चल। और उसके मन में क्या था, मेरे भगवान अनंत रूप धारण कर सकते, भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते। जब प्रार्थना किया वो बोलते चल चलो चलो मंदिर चल, दोबारा आने के बाद प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, तुरंत भगवान उसको क्या दिखाते, गणपति रूप दिखाते। आप देखा ना जगन्नाथ जी का जो सुंड है, हा? हाथी सुंड है, गणपति रूप देखा और अपना आपको धन्य माना, फिर वह भगवान का साक्षात्कार किया। तो भगवान भक्ति के वशीभूत है जगन्नाथ। कहा गया ब्रह्मा जी के 100 साल होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल में एक जो नीलमाधव, पहले जगन्नाथ जो थे नीलमाधव रूप में थे। और कहा गया नीलगिरी, नीलगिरी किसको बोलते हैं, जहां जगन्नाथ विराजमान है, नील पहाड़े नीलगिरी, वही यहां पे जगन्नाथ, वही नीलगिरी पर्वत है पहाड़े, और साइड में विराट समुद्र है। और वहां पे उन्होंने क्या करते, चिंता करते, मैंने ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया, मैं तो सृष्टि रचना करता हूँ, ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 बार सत्य तत्व द्वापर कली, सत्य तत्व द्वापर कली होता है। एक और ब्रह्मा जी सोचे, जब मैं आज सो जाता हूँ, पूरा प्रलय हो जाता है, फिर सृष्टि करता हूँ, ये जीव को फिर लाओ, फिर कष्ट भोगते हैं। ब्रह्मा जी के महाजन है, जो भक्त है उसको दया भाव होता है, जीवे दया, बोला भगवान मैं काम नहीं करूंगा, हमेशा मैंने यही ढूंढ दे गया और फायदा नहीं। कि हर एक व्यक्ति जन्म चक्र में अपने में कर्म के द्वारा जाते हैं, आते हैं कर्मणा निधंती भक्ति भाषा, भक्ति लोग करते नहीं, तो मैं इसलिए ये सेवा नहीं करूंगा। अभी प्रार्थना किया भगवान को, मेरे को कुछ ये दीजिए। तो भगवान ने प्रार्थना की, बोले चिंता मत करो, जब स्तुति करता है बोले देखो मेरा रूप दर्शन करोगे, तुम प्रार्थना करो, तुम ध्यान करो। तो ब्रह्मा जी ने, जब भगवान विष्णु ने आदेश दिए, तो ब्रह्मा जी ने, आप देख सकते अलरनाथ एक जगह है वहां पे ब्रह्मगिरी, वहां से ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी में आए, तपस्या किए, तपस्या करने के बाद वहां पे लक्ष्मी नारायण के रूप में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोलते जो भी जीव, भगवान बोले जो जीव इसको दर्शन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी खुश हो गए, कोई टेंशन नहीं है, बस जो आएंगे दर्शन किया बस भौतिक जगत से पार हो जाएगा। ये समाचार ब्रह्मा ने फैल गया, सब लोग खुश हो गए, लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया। इसी किसी बात है, मेरे जो कार्यक्रम है, मेरे जो दिया गया ड्यूटी, मेरी ड्यूटी कौन करेगा, तुरंत दौड़ दौड़ के आ गया, कौन ही हो यमराज जी आगे। बोले भगवान, ओ भगवान को ध्यान किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, भगवान तो सबके हैं, भगवान को जो पुकारता है और उसके बनते हैं। बोले क्या है, वरदान मांगो, मैं तेरे पे संतुष्ट हूं ना, आपने ऐसे किसी किए, जो भी आपको दर्शन करेंगे वो जाएगा भगवत धाम। तो मेरे, मैं जो ड्यूटी दिएगा मेरे को, मैं कहूँ मैं कैसे करूँगा ना, देखो ना ऐसे नहीं हो सकता है ना। ठीक है, जगन्नाथपुरी का 4 कोस तक तुम्हारा कुछ यहाँ पे जिम्मेदार नहीं रहेगा, 4 कोस के अंदर जो रहेंगे वो मैं जिम्मेदार लूंगा। दूसरा पेट ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किए कि देखो ये यमराज बोलता है ठीक है 4 कोस, देखो अभी नहीं, जब एक महान भक्त आएगा उसका नाम इंद्रद्युम्न महाराज, तब तक मैं ये सोने का बालू, उस टाइम बालू था ना सोने का बालू, मैं उसके अंदर छिपे रहूंगा। जब वो मेरा भक्त आएगा प्रार्थना करेगा, मैं भक्त के सामने प्रकट हो ही जाऊंगा, क्योंकि भक्त में बांधी अच्छी प्रेम और रजू रही, जहां नेत्र पड़े तहां देखिए हमारे भक्त, मेरे को प्रेम की रस्सी तरह बांध डालता है, जहां देखेगा मैं उसको दिखाई दर्शन दूंगा, मैं उसके सामने प्रकट होऊंगा, मैं अपकट नहीं हो सकता, वो मेरा भक्त है।
ओम भक्त पराधीन, भगवान बोलते ना मैं हमेशा भक्त के अधीन हूं, भक्त मुझे जैसे ना चाहिए मैं इसे करूंगा, इसलिए वो मेरा भक्त है। वो आएगा तब तक तुम्हारा जिम्मेदार चलेगा, जब वो आएगा उस समय पे मैंने मेरे असल रूप अलग रूप निकलेगा जो है दार ब्रह्म रूप। वो रूप को जो देखेगा जो भी दर्शन करेगा उसका मुक्ति निश्चित ही। तो बोले ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करते और बोला गया जब तुम तपस्या करो फिर मैं जब आऊंगा तुम ही मेरे को प्रतिष्ठा करने का। आप देख सकते हो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा उसको स्वयं ब्रह्मा जी ने ही प्राण प्रतिष्ठा किए ब्रह्मा जी ने। और कब का है? अनादिकाल से। कौन सा सत्य युग? सत्य तृत्य दपर कली सत्य तत्वपर कौन सा युग कोई गारंटी नहीं है। और भी हम देख सकते हैं अनेक एग्जाम्पल कैसे भगवान जगन्नाथ का ये रूप अलग अलग पुराण में वर्णित है। जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा छोड़ के द्वारिका जाते हैं, द्वारिका में रहते हैं और द्वारिका के जो पात्राणियां महिषियां देखते हैं ये कृष्ण क्या करते हैं रात को सोने टाइम गोपी गोपी बोलती है, नींद के बारे में नींद में सोया हुआ है गोपी राधे। अगर कोई पति पत्नी सोया है वो पति पत्नी पति सोने के टाइम पे और किसका नाम लेगा, पत्नी को लगा ये क्या है, है मेरे को शादी क्या दूसरे के साथ किसी का कनेक्शन है, ये क्या बात है, पूरा परेशान हो जाएगा ना, टेंशन आ जाएगा। ये सारे महिषियाँ इकट्ठा होके रोहिणी माता को बोलते हैं क्या है हमारा जो प्राणनाथ है हमेशा किसके किसी नाम लेते रहते, अरे हम तो अच्छी तरह सेवा करते झकमक सेवा करते बढ़िया सेवा करते कोई सेवा में कोई कमी नहीं करते, तभी भी क्यों ऐसा ना? देखो आपको मालूम नहीं उन्होंने जब वृंदावन में थे मथुरा में थे उनके सखा सखियां गोपियां स्पेशल भक्त लोग हैं उनका बारे में चिंतन करते ना उनके बारे में हमको बताओ हम सुनना चाहते हैं तो कौन बताएगा किसको मालूम है। सब लोग मिलके रोहिणी माता को बोले, रोहिणी माता बोली ठीक है मैं बताऊंगा लेकिन एक शर्त पे कृष्ण बलराम यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहेंगे गड़बड़ हो जाएगा क्या करेंगे उनको मार्केट भेज देंगे, अब जाइए बाहर मार्केटिंग करो जाओ। तो कृष्ण ये भी इच्छा सारे इच्छा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। कोई भी इच्छा है ना आध्यात्म की इच्छा भगवान की कृपा से होता है, वो भगवान की प्लानिंग है भगवान कृपा करना चाहते हैं जीव को। तो कृष्ण बलराम गए बाहर और सुभद्रा को बोले भाई तुम सामने खड़े गेट के सामने खड़े रहो ऐसे खड़े जैसे हम बैठे पीछे कुछ लोग रहेंगे मैं सामने देखूंगा कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे लेकिन मेरे ध्यान अगर पीछे रहेगा मैं सामने क्या चल रहा है थोड़ी पता चलेगा, क्यों ध्यान कहाँ पे पीछे क्या सुन रहा हूँ। उसी प्रकार रोहिणी माता को खड़ा कर दिया गेट कीपर और वहाँ पे बाकी लोग रोहिणी माता खड़ा कर दिया किसको सुभद्रा मैया को, सुभद्रा मैया खड़े रह गए रोहिणी माता अपना दिव्य कथा करने लेंगे और जितना भगवान का महिषियाँ सेविका लोग बहुत आनंदपूर्वक सुनने लगे एकदम इतना तन्मय हो गए। उसी समय पे कृष्ण बलराम आए आयो आके देखते हैं हाँ देखते सुभद्रा खड़ी है ऐसे कह रहे हैं कल देख रहे हैं मतलब स्टैचू के समान मन पीछे है वो भी सुन रही है और कृष्ण बलराम आके साइड में खड़ा हो गया दोनों साइड में एक साइड में कृष्ण एक साइड में बलराम खड़ा हो गए ये भी सुनने लगे। कहा गया शास्त्र में श्रुणुत्वम सदया नित्यम गुणत्वच सुतिष्ठितम काले न नित्य दृघेन भगवान बसति हृदय भागवतम श्लोक है। श्रुणुत्वम सदया नित्यम यदि नियमित पूर्वक कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है किसका कथा फिल्म एक्टर का कथा
भगवान कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम भगवद गीता प्रभुपद का दिया हुआ बुक्स गारंटी है। काले न नित्रिघे न भगवान बसते हुए समझ पाएंगे हम लोग, हमारा साक्षात्कार होगा कि हम कृष्ण का है, कृष्ण हमारा है, गारंटी है। प्रभुपद बुक्स में दम है, नो डाउट। और हम लोग बराबर अलग अलग व्यक्ति का पढ़ते हैं, कितने बुक्स पढ़ लो प्रभुपद से सब लोग लाइन में आए हैं। बाकी अभी भी बहुत लोग अनेक बुक्स लिखते हैं, लेकिन प्रभुपद बुक्स हीरो है, प्रभुपद हीरो है। तीसरा कहे सुनोत्तम सध्या नित्यम गुणतश्च सुचेष्टितम कालेन नित्यदीर्घेन भगवान बसते हुए समय अनुभूति आएगा, अनुभूति हो जाएगा कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण का है, श्रवण करेगा तो। इसलिए कहा गया श्रवण मंगलम श्रीमदातम, उस टाइम पे वो दोनों सुन रहे हैं। और कहा गया भागवत में दूसरे श्लोक में बताया गया भगवान को भी अच्छा लगता है उनका कथा सुनने को, जैसे कोई व्यक्ति को हम प्रशंसा करेंगे उसका अच्छा 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 कोई बात नहीं, उसी प्रकार भगवान को जब सुनाएंगे भगवान कथा भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान सबके हृदय विराजमान परमात्मा में बैठे हैं। चाहे हम लोग हरि कथा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान परमात्मा हृदय विराजमान है, वो जानते हैं हाँ मेरे को सुनाना है। तो भगवान खुश होते हैं, यशमिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को प्रसन्न कर लिया आप स्वतः प्रसन्न हो जाओगे। आप भगवान को छोड़ कर गए अपना प्रसन्न होने को चेष्टा करेगा कभी सुखी हो नहीं सकता है, असंभव। कोई खुशी हुआ अभी तक संसार में? कोई हो नहीं सकता है, भगवान को प्रसन्न कर लिया सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम अपन कथा सुन के बहुत आनंद आ रहा है, आनंद में जिसमें आनंद होने का कभी कभी व्यक्ति क्या 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 ऐसे आँख खोल के बैठते कि नहीं, नींद आएगा नहीं, मुंह खोल जाएगा, कान वहां पे लग जाएगा और नींद भाग जाएगा, सब कुछ पूरा ध्यान लग जाएगा और आगे क्या चल रहा है किसको पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार कृष्ण बलराम अपन कथा सुनने के बाद सुनते सुनते इतना आनंद इतना भाव विभोर हो गया, प्रेम प्रकट हुआ, उनका आंख बड़ा बड़ा हो गया। सुभद्रा माई का आंख बड़ा बड़ा हो गया, कृष्ण बलराम का आंख बड़ा बड़ा हो गया और उनके दिव्य शरीर अंदर घुस गया, महाभाव प्रकट हुआ, एकदम स्पेशल भाव महाभाव प्रकट हो गया। होने के टाइम पे उसी समय पे नारायण 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 आ गए, कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि को भी, नारद मुनि सब जानते हैं प्रभु की लीला प्रशंसा करना है, लीला प्रकट करना है, चल लीला देखेंगे लोग, नाचेंगे गाएंगे, भगवतम जाएंगे, भगवतम जाना बहुत ईजी है, कोई कठिनाई नहीं है। भीड़ उसके लिए जो भजन भक्ति नहीं करता है, अरे प्रेम आ गया सब ठिकाना पे आ जाएंगे। प्रेम अभी कहाँ रहा, हमारा कहाँ पे प्रेम है? पुत्र दार आप्त बंधु नाम संगमा पंत संगमा, भागवत ने बताया गया, बच्चा बच्ची पिता बेटी पुत्र पुत्री धन दौलत उसी में पूरा दबा के प्रेम है, प्रेम नहीं है काम है। इसलिए कहा गया पुत्र दार आप्त बंधु नाम संगमा पंत पंत संगमा, ये जो रिलेटिव स्वजन परिवार कैसा है, पंथ संगमा, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं कैसे हरिबोल कैसे, वो चल गया मेरी ट्रेन आई उनकी ट्रेन चल गई, उसी प्रकार ये परिवार में कोई बाप बन गया, कोई बेटी बन गया, कोई हस्बैंड बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई सास बन गया, कोई ससुर बन गया, मेरे परिवार काय का परिवार है, ये नाटक परिवार है। और ये परिवार को जब जब ठप्पा बन के बैठा है मेरा परिवार है, कितना दिन का तुम्हारा परिवार है, कितना दिन का परिवार? जगन्नाथ जी धाम में आए हम लोग तो भगवत धाम जाना चाहिए, माया में पढ़ना नहीं चाहिए। कमल दल दल जीवन टलमल भजहु हरिपद नित्य रे, नित्य नहीं टाइम टाइम नहीं, नित्य नित्य नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, नित्य प्रत्येक दिन होना चाहिए। हम क्या करते यहाँ पे देखिए भगवान कथा सुन के भगवान इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा भगवान कितनी विरूप प्रकट हो गया। उस समय पर नारद मुनि आ गए, भगवान प्रार्थना, प्रभु हम आपको खुद प्रार्थना हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मेरे के एक रिक्वेस्ट आपसे चरण में अनुरोध है, क्या अनुरोध बोलो नारद, जो वरदान मांगो मांगो,
ना आपके ऐसे रूप कहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है ऐसे रूप। ऐसे रूप आप जो दर्शन दिए हैं, ऐसे रूप का पूजा होना चाहिए, ऐसे रूप का आराधना होना चाहिए, ऐसे रूप का सेवा होना चाहिए, ऐसे रूप का प्रचार होना चाहिए, ऐसे दर्शन होना चाहिए। तथास्तु, जो व्यक्ति ऐसे रूप को देखता है निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम भगतम जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण का महाभाव रूप है, प्रेम का भाव है, अत्यंत प्रेम। ये देखिए कैसे रूप में जगन्नाथ विराजमान है। इसलिए कहा गया रथेशु बाणम बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। ऐसे रूप को जो दर्शन करता है, भगवान को दर्शन करता है, तो जन्म नहीं होता है। लेकिन कैसे दर्शन करना है, आंख से नहीं, चरम चक्षु में नहीं, प्रविष्टा करणेन, भगवान को देखना है कान का माध्यम से। और हमको टाइम ही नहीं है, पेपर पढ़ने को टाइम नहीं है, टीवी देखने को टाइम नहीं है, परिवार के साथ मीटिंग खाने भोजन करने के टाइम पे टीवी ले के बैठे वो देखने को टाइम नहीं। प्रैक्टिकल लोग बता दो, बुरा मन मानिएगा। हाँ, भोजन करने के टाइम पे टीवी लगा देंगे, बैठ के देखेंगे। अब भोजन कर रहे हो, बीज खा रहे हो, भोजन नहीं हो, बीज खा रहे हो। चेतना कहाँ जा रहा है? हाँ, डिंग 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 डिंग, रात को सोएगा ऐसे, फिर सवेरे ऐसे, पुनर्विजनन पुनर्विमानन पुनर्विजनन चक्र ऐसे नाम। और ये जगन्नाथ बिचरा चिंता कर रहे हैं, कब मेरे पास मेरे भक्त लोग मेरे पास, वो बिचरा चिंता कर रहे हैं कब मेरे पास आएंगे, कब मेरे पास आएंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आप अपनी जगह पे रहो, हम अपना थोड़ा मौज कर ले। ये संसार के नियम कैसे, लेकिन जगन्नाथ तब भी कृपालु है, बड़े दयालु है। कैसे कैसे अनेक अनेक भक्तों को कृपा किए। एक बार भगवान जगन्नाथ जी के अनेक भक्त हैं, उसमें से एक भक्त है नीच जाति का है और गरीब व्यक्ति है। उड़ीसा में एक जगह है बालीगाम, उना है, उसके नाम था दासिया बाउरी। बाउरी मतलब नीच जाति का, माने सूत्र से भी नीचे। जो सूत्र है ब्राह्मण कहते हैं वैसे सूत्र, सूत्र से भी और लो क्वालिटी का है। उसका क्या काम है? जैसे हम देख सकते हैं बड़े बड़े जो गांव में खेती बाड़ी रहते उनके घर में नौकर रहता है, उनका नारियल तोड़ेगा, उनका खेती करेगा, उनके एक छुट्टिया से कुटिया बना देगा, वहाँ पर रहेगा, खाएगा पिएगा, उसको पैसे देंगे, वो घर काम करेगा। ऐसे वैसे एकदम रिच परिवार का था। और एक बार उन्होंने जगन्नाथ पुरी गया था। जगन्नाथ को क्योंकि उन्होंने भक्तों के बीच में भगवान के बारे में सुना था, वो लोग देखे कहाँ जा रहे हैं, सब कीर्तन करते करते पुरी जा रहे हैं, तो बोला ठीक है पुरी क्या, कीर्तन सुनते सुनते उनका कान में हरि कथा सुन के हृदय शुद्ध हो गया। चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दाभाग्नि निर्वापणम, सुनने के बाद तो गया पुरी दर्शन किया। जगन्नाथ जी को जब देखा उसको तो अलाउ नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है, नीच जाति वालों को वहां पर अलाउ नहीं है। हाँ, तो अलाउ नहीं है। तो उसने बोला कैसे इतना सुंदर, तो भगवान का जगन्नाथ का रथ रथ का समय था, गया था देखा, जगन्नाथ को देख के आलिंगन कर लिया। सूत्र है आलिंगन नहीं कर सकता है, अलाउ नहीं, तो आलिंगन कैसे किया मालूम है? आंख में प्रेम से कहा गया ना उसको, उसको कोई किसको देखने का प्रेम भाव। ऐसे ही जगन्नाथ को अंतर चक्षु से दर्शन किया और हृदय केंद्र में बैठा दिया। हम लोग अभी हृदय केंद्र में क्या बैठाया है? हम लोग सब भौतिक चीज को हृदय केंद्र में बैठाया है, काला काला मच मच बैठा है, कृष्ण में नहीं बैठाया। उन्होंने जगन्नाथ को दर्शन करके प्रेम विवर होके अपना असुर प्रभाव हो रहा है, रो रहा है और प्रार्थना किया, प्रभु आ जाओ मेरे मन मंदिर में, बैठा दिया। बैठने के बाद भगवान एक बार अंदर घुसते निकलते नहीं, हाँ ख्याल रखो, इसलिए सावधान। अब भगवान थोड़ा कैसे खड़ा है मालूम है? सीधा नहीं है, ऐसा
वो ये करो कांटा टेढ़ा घुस गया तो निकलता नहीं ना, ऐसे ही भगवान घुसेंगे नहीं, घुसेंगे तो निकलेंगे नहीं। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, घुसना चाहते कि नहीं घुसना चाहते हो? हाँ जोर से बोलो गौरंगा। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को हृदय के अंदर में बैठा दिया। अब बैठा देते उसको, देखो को किसको प्रेम करता है उसके लिए पागल होता है। संसार का दुनिया लोग माया में पागल है, उनका टाइम ही नहीं। ये भक्त भी पागल है, भक्त लोग भी पागल है, कृष्ण भक्ति में पागल है, भगवान की सेवा करने में मस्त है। वो तो नाच नाच ये जैसे दारू पीने के बाद एक पैर उधर एक पैर उधर, उसको दिखता नहीं, धक्का हो जाता किसी में, ऐसे ही वो भी नशा चढ़ गया उसके ऊपर। कौन सा नशा? भगवान भक्ति का नशा, जगन्नाथ प्रेम का नशा चढ़ा उसके ऊपर। वो चढ़ने के नाते वो रो रो के नाच नाच के घर जा रहा है। घर में पत्नी बोला, मेरे पति आए दूर से, भूख लग गया को लगता है, गरीब आदमी, दाल चावल कचौरी बर्फी लड्डू मालूपा वो तो कभी खाएगा नहीं, गरीब आदमी क्या खाएगा। उसके पत्नी ने घर के बाजू में तालाब है, तालाब से साग ले आया था बना दिया, और थोड़ा सा सफेद चावल से खिचड़ी बना दिया, थाली में मोटे का में रख दिया। थाली नहीं है घर में, हमारे घर में कितना थाली है, सबका घर में कितना, तीन सेट चार सेट पांच सेट छह सेट दस सेट दस सेट बीस सेट से रहता है थाली, लेकिन ये बिचरा भक्त है उसका घर में थाली नहीं है। ये मिट्टी का मटका है, उसमें पत्नी खाओ खाओ भूख लग गया, हाथ धो करके उसका मन में तो जगन्नाथ है बैठा हुआ है, और हाथ धो के जब तोद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम में समर्पय स्तुति किया, उसको दिखाई दिया, उसके मन में तो वही बैठा है जगन्नाथ का आंख है, उसको पूरा जगन्नाथ का आंख दिखाई दिया, खिचड़ी के अंदर जगन्नाथ का आंख दिखाई दिया। वो खाएगा क्या? वो बैठ के देख रहा है, देख रहा है, देखते देखते रो पड़ता है, देख रहा है रो रहा है। नैनम गलगत सुधा रया बदनम गत रुद्ध या गिरा पुल्ल के निश्चितम प्रभु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। प्रेम का प्रकट हो रहा है, देख रहा है रो रहा है, और बाद में रोते रोते खड़ा हो गया, नाचने लगा। पत्नी सोची क्या हो गया मेरे हस्बैंड का, लगता कुछ गड़बड़ हो गया, रास्ते में कोई भूत पकड़ा ना, कोई पिला दिया, कोई कुछ ये कर दिया, जादू कर दिया, मेरे हस्बैंड ऐसा कर दिया तो मेरे मेरे परिवार कैसे चलेगा। जैसे भी इनका हुआ था जब चैत्र होगा समय पे महाप्रभु जब जा रहे थे, एक धोबी था, ऐसा धोबी कपड़े धो रहा है, महाप्रभु बोलते अरे भाई धोबी भैया, उसका नाम रजत धोबी, एक बार तो हरिनाम लो, अपने काम में व्यस्त है, कपड़े धोऊंगा कपड़े धोऊंगा कपड़े धोऊंगा पैसे कमाऊंगा, कर्म 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 नोटिया चाहिए धन धन धन। तो इतना कपड़े धो रहे, इतना व्यस्त है, महाप्रभु उसको बोलते हैं हरिनाम लो, नीचे मुड़ करके मुंह करके कपड़ा धो रहे हैं, महाप्रभु लास्ट को जो कपड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया तो उसका आसक्ति कपड़ा में है। तो देखा ये लंबे सन्यासी और बड़े 7 फुट के हैं, गोरे गोरे व्यक्ति, और लंबा लंबा हाथ है, सुंदर सुंदर आंख है, लंबा नासिका है, क्या दिख रहे हैं, चक चक दिख रहे हैं, और हाथ जोड़ के बोल रहा है अरे भैया भैया बोल रहा है। देखो भगवान कितना दयालु है, हमारे से भक्ता जी बात भैया बोल, अरे भैया एक बार हरिनाम ले लो, मैं तेरे कपड़े धो लूंगा, कपड़े को ले लिया, अरे तू सन्यासी आदमी है, सन्यासी व्यक्ति, मेरे कपड़े धोएगा मैं नरक चल जाएगा, नहीं 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 मैं हरिनाम लेता हूँ। खाली एक बार देख लिया रजत ने, खाली भगवान के मुखारविंद को नजर लगा दिया, देख लिया देख लिया, तब फंस गया। क्यों? क्या देखा आंख में? भगवान रो रहे हैं, जीव को उधार करने रो रहे हैं। देखिए भगवान अमर कितना दयालु है, जीव को उधार करने के लिए भी तड़प रहे भगवान, और हम लोग हमारे भगवान कितना बंदोबस्त किया, हम उधार होने का खुद होने का, दूसरे को उधार करना है, प्रचार करना चाहिए, भगवान की यश को फैलाना चाहिए, खा पी के रहना है और रंग भोगानंदी नहीं बनना चाहिए, जोगानंदी होना चाहिए। जोग मतलब जुड़ना है, किसमें? भक्ति में। भोगानंदी मतलब भोग में, खाओ पियो मौज कर, बाल बच्चे परिवार, ये क्या है?
चूर भी आनंद लेता है, अपने 10 बच्चे को पैदा करके टांग फैला के दूध पिलाते रहता है। वो क्या सुख है? आप लोग सूर को देखे ना, मुझे लगता है सूर कितना आनंद टकटक, क्या बढ़िया है। बोलते क्या आप लोग? ऐसे हम लोग भौतिक लोग, बदी लोग, हम सब आप लोग तो वैष्णव लोग हैं, आपको नहीं बोलता हूँ। तो संसार में जो भक्त लोग, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको देख के देवता लोग सोचते हैं, भगवान सोचते हैं, क्या मूर्ख लोग हैं, कहाँ पड़े हुए कीचड़ में। उनको इतना सुविधा दिया जाता है, आओ आओ आओ, नहीं 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 नहीं, कितना ऐसे हम लोग को देखे भी सोच रहे भगवान, ये लोग इतना सुविधा तभी आने को रेडी नहीं है, कचरा में बैठे। उसी प्रकार रजत बोलता है, भगवान बोले तेरे कपड़ा मैं धो लूंगा। जो कपड़ा को ले लिया, नहीं 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 नहीं, मैं लेता हूँ, मैं न लेता हूँ, हरिनाम लेता हूँ। तब उन्होंने हरिनाम लिया, महापुरुष को आलिंगन कर लिया, आलिंगन कर लिया तो देखो पूरा करंट पास हो गया, पूरा 1000 जो क्या बोलते उसको, हाँ वोल्ट, पूरा फुल चार्ज हो गया, पूरा डिस्चार्ज हो गया था वो माया में, पूरा डिस्चार्ज फुल चार्ज। और देखो वो अभी क्या नाच रहा है, गा रहा है, महाप्रभु आगे गए, वो अकेला नाच रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाच। उसका पत्नी आई, क्या हो गया, डबल एक आई, धूप हो गया ना, धूप धूप तो ऊपर में प्रसाद खिलाएगा, पति काम कर रही है, क्या कर रहे हो, डबल है तुम्हारे लिए साग भाजी, वो सुनने को नहीं, हरे कृष्ण कर रहा है, नाच रहा है। वो धोबी, वो उसका पत्नी सोचा धूप है, कोई राक्षस पैकेट पकड़ा, इसलिए बुद्धि बिगड़ गया उसका। गांव वालों को बोला, आओ देखो, देवर को बोलाया, जेठ को बोलाया, और बाकी लोगों को बोलाया, सब लोग बोले पागल हो गया यार, कुछ पागल है। कभी के भक्तों को लोग बोलते पागल है, हरे कृष्ण नाचते हैं, अरे हम लोग असली पागल है, तुम लोग माया में पागल है। वो हमको बोलते पागल, हम उसको बोलते पागल, वास्तव में कौन पागल है, वो माया में पागल है, टेम्पररी चीज के प्रति पागल है, जो कुछ मिलने वाला नहीं है, कभी मिलने वाले, जैसे हिरण को, हिरण सोचता है आगे पानी मिलेगा, आगे पानी मिलेगा, ठप ठप दौड़ता है, पानी मिलने वाला नहीं, दौड़ते उड़ते गला सूख जाता है। उसी प्रकार हिरण प्रवृत्ति वाले, आसक्ति वाले संसार में जो व्यक्ति है, सोचते सोचते सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख सुख मिलेगा, दुख सुख में दुख, बड़ा बड़ा बम गिरता दुख का, तभी समझता नहीं। लेकिन भक्ति करेगा कितना सुख है, समझ नहीं पाते, सुख है भक्ति में, सुख है। तो देखो वो किसी पागलों के नाच रहे, उसको समझ आ रहा क्या हो गया, जो उसको टच किया वो भक्त बनेगा, जो उसको टच किया वो भक्त बनेगा, जो उसको टच, जैसे प्रभुपाद जी ने, महान व्यक्ति है, एक व्यक्ति का जिसको जिसको टच किया भक्त बने, हम सब उनकी कृपा से भक्त बने ना, भक्त बने नहीं, प्रयास चालू है, लाइन में टिकट कटने का, लाइन में कभी ना कभी नंबर तो आएगा, लाइन छोड़ने का नहीं, यशकन को कभी नहीं छोड़ने का, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु है 100%, नो डाउट, कैसे भी प्रॉब्लम आने दो, टेंशन नहीं। तो उस टाइम देखो वो भी जगन्नाथ का, उसको रुक देखिए, वो जो दस्या बहुरी, वो भी पागल हो गया, उसका पत्नी आई, गांव वालों को बोलाया, सब लोग समझ नहीं पाते ना, कैसे समझ गए, भक्त का लीला को भक्त समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। उस समय पे गांव से कीर्तन पार्टी जा रहा था, उसमें से एक व्यक्ति देखा, हाँ अरे ये पागल नहीं है, ये परफेक्ट व्यक्ति है, ये जो आज कर रहा है ये वास्तविक उसका स्वरूप अवस्थितम, उसका स्वरूप का विचार है, उसका स्वभाव है, उसका भक्ति भक्ति जागृत हुआ है, महान व्यक्ति है, इसलिए उसको बोलो मत पागल है, तुम लोग पागल है। फिर वो लोग शांत हो गए, फिर उसको बोले क्या करने का, अभी मेरे पति पागल है, अभी समझ नहीं पाते, हरे कृष्ण करता है, तो क्या करो, उसके खिचड़ी के अंदर जो साग है, साग को निकाल दो, पट के वो तो आग बंद कर नाच रहा है, हरी बोल बोल रहा है, साग को निकाल दिया, ए पसंद खा, देखा तो अभी क्या नहीं है, साग निकाल दिया, साग निकल दिया तो सफेद सफेद है, फिर उसका चित्र, हाँ ठीक ठीक खाता हूँ, खाना शुरू कर दिया। तो देखो भगवान जगन्नाथ कैसे दयालु है, नीच नीच व्यक्ति को भी कृपा करते हैं, ऐसे नहीं, भगवान बड़े से बड़े व्यक्ति को कृपा करते हैं, छोटे के छोटे व्यक्ति, जो व्यक्ति उनके शरण में जाता है उसका उद्धार निश्चित है, डाउट नहीं। राम जी बोलते हैं एक श्लोक में,
सकृतं देव पपर्णम अस्तवास्मित याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामित व्रतो मम। रामायण होता गया, एक बार आके एक बार बोलेगा मैं तुम्हारा हूं, बोलिए हम तुम्हारा है, बोले हे जगन्नाथ, नन्हे प्रेम से हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे मैया सुभद्रा, हे सुदर्शन, हम तुम्हारा है आज से, आसन तुम्हारा है। ऊपर से अंदर से बोल रहे हो, जानते हो, सच्ची बोलो, हम तुम्हारा है। तो क्या बोलते भगवान, देखो भाई, सकृतम देव पपन्नम यस्तवास में तयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामित व्रतो मम। मेरे कसम, मेरे नियम, मैं इसको कभी त्याग नहीं करता हूं, मेरा बन जाता है। एक बार शास्त्र बता गया, काकुति करिया कृष्ण डाके एको बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ी न संसार, काकुति करिया कृष्ण डाके एको बार, एक बार एकदम प्रेम से पुकारेगा उनको, निकल नहीं पाऊंगी। हाँ ऐसा है, कृष्ण इतने प्रेम करते हैं, जगन्नाथ ने एक बार तो उसने जगन्नाथ एक बार बोले है ना, देखो जगन्नाथ है उसके चक्कर में फंस गए, जगन्नाथ सब 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 जगत के ना, जगन्नाथ सबके नाथ है, अभी वो अभी भगवान का, भगवान भक्त के दास बनते हैं। एक दिन वही दसिया बहुरी सोचा मन में, आम किसी दिन आया, एक व्यक्ति आम बेच रहा था, फटाफट आम है, फंटास्टिक आम है, सुंदर सुंदर आम है, बोला मैं लेके जाऊंगा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ को दूंगा। जब लेके गए पंडित लोग मिल गए, ला मैं भूख लगाऊंगा, ए मैं भूख लगाऊंगा, मन में क्या विचार है, आधा भूख लगाऊंगा, अच्छा ले जाऊंगा घर में, तो बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा लाल लाल आम है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आम है, और भोग लगाऊंगा, मेरे को दे, अरे मेरे को दे, मैं भूख लगाऊंगा, मैं भूख लगाऊंगा। 20 पंडा इकट्ठा हुए, पूछले हम भोग लगाएंगे, मन में क्या विचार, उनका ले जाऊंगा, आधा दे दूंगा, आधा पीछे से घर में भेज दूंगा, बाल बच्चे परिवार। देखो पंडित लोग भी भक्त है, लेकिन एक लीला है, हम लोग उनको ये नहीं कर सकते, क्यों भगवान का भक्त है, भगवान के पास से बैठे है ना, सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं। तो उस टाइम पे वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भोग लगाने नहीं आया, मैं तुम लोग को देने के लिए नहीं आया। हे कैसे आदमी तू, पूरी में ले आके वापिस लेके जाओगे तुम लोग, यहाँ आने के बाद अरुण स्तंभ है जगन्नाथ मंदिर के सामने, गरुड़ खंभ अंदर है, अरुण स्तंभ बाहर है, तुम पूरी में लाने के बाद फिर बोलते लेके जाऊंगा, अरे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, तेरे वो हो जाएगा, बोले बोले कुछ नहीं, सबके सामने बोला नहीं 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 मैं आपको नहीं दूंगा। उसने क्या किया, पूरा टोकरी उठाया, टोकरी पकड़ के दो आम पकड़ा, भगवान बोले थे जगन्नाथ जब तुम नीरज चक्र को देख के, झंडा को देख के, जब मेरे को दर्शन करना चाहते हो दर्शन करो, मैं तुमको दर्शन दूंगा, मेरे अंदर बाहर, मेरे को आप कुछ ना अंदर अलाउ नहीं है, मैं बाहर आ जाऊंगा। जिसे प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, हरिदेव ठाकुर नामाचार्य, हरिदेव ठाकुर परमाचार्य, स्वयं चैतन्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है वो चैतन्य महाप्रभु है, नो डिफरेंस, स्वयं जगन्नाथ, जगन्नाथ का प्रसाद लेके, अपना प्रसाद लेके किसको देते हैं, हरिदास ठाकुर को देते हैं, हरिदास प्रसाद लो, हरिदास देखो देखो भगवान कैसे भक्ति की सेवा करते, तो भगवान कितना दयालु है, कितने कृपालु, वही जगन्नाथ को उन्होंने आम क्या क्या चढ़ाया। अरे देखा तो दो दो पकड़ा, दो दो हाथ से क्या, पंडे लोग देखते क्या गया, देखते जादूगर है क्या, देखता हूँ, सारे पंडे जाके देखते रत्न सिंहासन के पास, देखते हैं आम खा के जगन्नाथ, उसका जो घुटली पड़ा हुआ है और ऊपर का जो क्या छिलका पड़ा हुआ है, पूरा आम खा लिया जगन्नाथ। तो देखो भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान देखते हैं, लेकिन किसके लिए, भक्त, भक्त मामा अभिजानंदी, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की।